देन सेकेंड इज़ फर्स्ट हमने देखा कंडक्टेंस सेकेंड इज कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जिसे हम कापस से रिप्रजेंट करते हैं हमने क्या डिस्कस करना है हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ दीज वैल्यूज़ ऑन डाल्यूशन जो सॉल्यूशन उसको अगर डाइल्यूट करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी और डिक्रीज होंगी या क्या इफेक्ट होगा अब देखिए क्या है आप ये कहेंगे कि अगर इंक्रीज़ हो रही है विथ इंक्रीजिंग डाइल्यूशन देन कंडक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन लेकिन ऐसा नहीं है थोड़ा बेसिक डिफरेंस है तो देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस है कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूट करने का उसको हम देते हैं देखिए इसके लिए आपको कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कंडक्टिविटी क्या थी कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रजेंट इन वन मिली लीटर ऑफ द सोल्यूशन यानी कि एक मिली लीटर सोल्यूशन में जो आयंस प्रजेंट हैं उनकी जो कंडक्टिंग पावर है उसे कहते हैं कंडक्टिविटी कहते हैं अब हमने किसका इफ़ेक्ट पढ़ना है यहाँ पर हमने पढ़ना है इफ़ेक्ट कंसनट्रेशन का देखिए कन्सनट्रेशन या डायल्यूशन जिसको हम कहते हैं अगर हम कंसनट्रेशन यहाँ पर क्या करना है आपने डिक्रीज़ करना है क्योंकि डायल्यूशन को आपने इंक्रीज़ कराना है या फिर कह सकते हैं वॉल्यूम आपने इंक्रीज़ करना है वॉल्यूम कैसे डाइल्यूशन कैसे इंक्रीज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर वाटर हम ऐड करेंगे अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इन वन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज होंगे कैसे देखिए आपके पास मान लीजिए एक ये वन मिलीलीटर सॉल्यूशन का कंटेनर था ठीक है वन मिलीलीटर सॉल्यूशन का एक कंटेनर है इसके अंदर आपके पास सपोज़ कीजिए यहाँ पर चार इसके आयंस प्रेजेंट हैं आपने इसी को क्या किया एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दिया क्योंकि आपने ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज़ किया था जब वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो डेंसिटी जो है कि जो आपके आयंस की क्लोजनेस है वो कम होगी डेंसिटी आयंस ही कम होगी नंबर ऑफ आयंस इन वन में लीटर सोल्यूशन क्या करेंगे डिक्रीज कर जाएंगे तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज़ हो जाएंगे नंबर ऑफ़ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएंगे और जब नंबर ऑफ़ आयन क्योंकि कंडक्शन किसी वजह से है आयंस की वजह से अगर नंबर ऑफ़ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी तो ये याद रखिए कि कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो देखिए पिछला क्या था हमारा कंडक्टेंस था कंडक्टेंस क्या हो रही थी इंक्रीज हो रही थी क्योंकि वो डिपेंड थी नंबर ऑफ अल्फ़ा पे यहाँ पे भी अल्फा पर फर्क पड़ेगा बट ज़्यादा इफेक्टिव जो होगा वो नो पर यूनिट वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे इफ़ेक्ट कुछ और है वहाँ पे इफ़ेक्ट कुछ और था तो डिफरेंसेस आपको याद थर्ड टर्म मोलर कंडक्टिविटी लैमडा एम एंड इक्वेलेंट कंडक्टिविटी लैमडा ई इन दोनों पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक में देखिए पहले तो इन दोनों का समझिए कि होती क्या है मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन वन मोलारिटी सोल्यूशन और इक्वलेंट कंडिविटी का मतलब होता है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रजेंट इन वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी होती है लैमडा एम विच इज़ कापा इन वन थाउजेंड अपॉन मोलारिटी कापा इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्ट लैमडा ये होता है कापा इंटू वन थाउजेंड अपॉन नॉर्मलिटी दोनों में डिफरेंस क्या है एक में मोलारिटी एम है एक में नॉन नॉर्मेलिटी एन है अब देखिए हमने डिस्कस करना है कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस डाइल्यूशन पर इसका क्या इफेक्ट होता है तो अगर आप कंसनट्रेसन डिक्रीज कराते हो कंसनट्रेशन डिक्रीज कराने का मतलब क्या हुआ कंसनट्रेशन डिक्रीज़ का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज की मतलब उसमें वाटर ऐड किया वॉल्यूम इंक्रीज़ किया अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं तो अभी हम पीछे पड़ चुके हैं कि कापा यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है अब क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फार्मूले में लैमडा एम में भी और लैमडा ई में भी कापा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर कापा डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा लैमडा और एम और लैमडा ई दोनों ही क्या होंगे डिक्रीज होंगे लेकिन यहाँ एक फैक्टर और भी है जो ये कंसनट्रेशन और नॉर्मलिटी फार्मूले में है उसका इस मतलब जो है इफ़ेक्ट भी होता है किसके ऊपर लैमडा एम की वैल्यू और लैमडा ई की वैल्यू पर तो अगर आप कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं या डल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं या फिर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा इन सभी केसेस में मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों क्या होंगी डिक्रीज़ होंगी मोलारिटी भी डिक्रीज़ होगी और नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज़ होगी मोलारटी भी डिक्रीज़ होगी नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज़ होगी सीधी सी बात है मोलारिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोस्ट डिडेड वॉल्यूम तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होता है तो मोलरिटी डिक्रीज़ होगी नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज़ होगी और इसका मतलब हुआ कि लैमडा एम और लैमडा ई e की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि वो दोनों क्या हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए अगर हम इन टर्म ऑफ मोलारिटी नॉर्मलिटी बात करेंगे तो उस केस में लैमडा एम लैमडा ई की वैल्यू इंक्रीज होगी अब देखिए यहाँ पर पहले केस में क्या था लैमडा एम और लैमडा ई e की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी दूसरे केस में क्या है लैमडा और लैमडा ई e की वैल्यू क्या हो रही इंक्रीज़ हो रही है ठीक है मतलब दूसरे के अपोजिट हैं दोनों फैक्टर लेकिन होता क्या है कि जो लैमडा एम और लैमडा ई की वैल्यूज़ हैं ये लैमडा एम और लैमडा ई की वैल्यूज़ डिपेंड करती है बेसिकली किसके ऊपर नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोलारिटी या नॉर्मोलिटी पर डिपेंड करती हैं इसलिए लैमडा एम लैमडा ये आप कह सकते हो कि मोलारिटी और नॉर्मिलिटी फैक्टर जो है वो प्रीडोमिनट है यानी कि उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है इसलिए अगर आप डल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में लैमडा और ए e दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ठीक तो ये याद रखेगा कि इन केस डाइल्यूट करने पर लैमडा एम लैमडाई दोनों इंक्रीज़ करते हैं अच्छा अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है मोलर कंडक्टिविटी और लैमडा इक्वल कंड दोनों क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है मतलब सिर्फ कंडक्टिविटी जो है वो ही डिक्रीज़ होती है बाकी सब इंक्रीज होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट वेरिएशन ऑफ लैमडा एम और लैमडा ई विथ डायल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बोथ सेपरेटली फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है लैमडा एम मोल क्या होता था मोलर कंडक्टिविटी और लैमडा ई e, क्या होता है इक्वलेंट कंडक्टिविटी ठीक अब हमने बात अभी की थी डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में कि जो कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज हो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या आपने क्या किया वाटर ऐड किया वही सेम चीज़ डेल्यूशन में होती है तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेमडा ई एंड लैमडा एम दोनों इंक्रीज होती है क्योंकि दोनों का सेम इफ़ेक्ट होता है इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस लैमडा एम करेंगे वही सेम एप्लीकेबल होगा लैमडा ई के लिए तो इसलिए किसी एक क्योंकि ज़्यादातर जो है डिस्कस होता है लैमडा एम के बारे में इसलिए हम लैमडा एम डिस्कस कर रहे हैं आपको क्वेश्चन लेमडा ई से पूछा जाएगा तो सेम चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो अब देखिए यहाँ ग्राफिकली हम बात कर रहे हैं कि क्या वेरिएशन होगा इसका लैमडा एम का वर्सेस कंसंट्रेशन यहाँ पर देखिए ग्राफ है इसमें वाई एक्सिस पर लैमडा एम लिया हुआ है लैमडा एम का मतलब मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पर अंडर रूट सी लिए एक्सिस पर सी मतलब कंसंट्रेशन अंडर रूट इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इससे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और सी से थोड़ा सा प्रॉपर लाइन नहीं आती इसलिए अंडर रूट सी का यहाँ पर यूज़ किया गया है और इसका और कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है देखिए इस ग्राफ में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे मतलब कहने का ये है कि अगर ग्राफ में हम इस साइड जाते हैं इस साइड जाने का मतलब हुआ लेफ़्ट साइड मूव करने का मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन जो आपकी है वो डिक्रीज़ हो रही है डाइल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन लैम्डा एम का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है देखिए सिंपल एक ये लाइन है इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट दिया हुआ है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आयन्स पहले ही हंड्रेड परसेंट आयोनाइज हो जाते हैं जब आप वाटर ऐड करेंगे तो वाटर जो उनके आयंस के बीच का डिस्टेंस है उसको इंक्रीज़ करते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है यहाँ पर नंबर ऑफ़ आयंस नहीं न्यू फॉर्म होते हैं इस वजह वारे से वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत स्मॉल वेरिएशन शो हो रहा है एकदम देखिए आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं आ रहा है इसका आपको ध्यान रखना है अगर हम टू राइट मूव करते हैं अब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते आएंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी इस पॉइंट पर ये जो आपका लाइन है क्योंकि ये आपकी एक्सेस कौन सी है वाई एक्सेस है तो अगर इस लाइन को हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लॉट करें जैसे ये आप यहाँ पर डैश डैश बना दें तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा कंसनट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी और कन्सनट्रेशन ज़ीरो होने का मतलब यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होगी यानी कि इसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं